नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने गरबा आयोजन में 60 देशों के राजदूतों को बुलाए जाने पर सवाल खड़ा किया। वो भी तो अलग अलग मजहबों के लोग थे। सपा सांसद इतने भर से नहीं रुके और बोले कि हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हमें इस पर एतराज है। दरअसल पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में आयोजित गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों का अपनी पहचान छुपाकर घुसने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट करके से जिहाद का नाम दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। इन घटनाओं के बाद गरबा पंडालों के बाद दूसरे धर्म के लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, मैं तो मुस्लिम युवकों से यही कहूंगा कि उनको जाना नहीं चाहिए। जाते क्यों हैं? क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है और एक जश्न के लिए मनाया जाता है, तो मुस्लिम युवकों को इससे बचना चाहिए। और अगर वो वहाँ पे हैं तो उनको, उन्हें राइट है कि उनको निकाल दें। मारने का हक किसी को नहीं है, मारपीट नहीं होनी चाहिए। रिटायर्ड आईएएस पिता के घर जमीनी विवाद में लड़ाई में गोली चल गई। एक युवक को गोली लगी है। आगरा एसएन अस्पताल में उसे रेफर किया गया। हालत गंभीर हो गई है। जिसे युवक को गोली लगी है वो फिरोजाबाद के थाने में सिपाही के पद पर तैनात है। जमीनी विवाद में सारी घटना हुई। एक छोटा भाई के सिर में चोट लगी है और सादाबाद के सीएससी में उसे भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। सादाबाद के बरीवली मोहल्ले का पूरा मामला। फिरोजाबाद जिले की शुकोहाबाद नगर पालिका ठेका सफाई कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन न मिलने से नाराज हैं और कर्मचारियों ने जल निगम कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों ने युवावास के गेट पर मरे जानवर भी डाल दिए। बदबू से कॉलोनी निवासी परेशान हो गए। गेट पर ठेका महिला पुरुष धरना कर रहे हैं और शासन प्रशासन चेयरमैन नियोग से 7 महीने का वेतन मांग रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से भुखमरी के कगार पर हैं। इस बात को लेकर हड़ताल है। 7 महीने से वेतन नहीं मिला, कर्मचारी परेशान है। 20 महीने से पीएफ गायब है, अधिकारी मनमानी कर रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है। बहुत बार धरना दे चुके हैं, बहुत बार मीटिंग कर चुके हैं, होता कुछ है नहीं है। आज इसलिए धरने बैठे हैं, आज हम अपना लेके जाएंगे जो है हमारा जो वो डाले हैं। अभी ये कम डाले, अभी वोट डालेंगे। यहाँ पे नगर पालिका में भी जाएंगे डालने, यहाँ पे भी डालेंगे। रायट्रीन के बाद संभल के उलेमान ने भी जुलूस से मोहम्मदी पर प्रतिबंध लगाते हुए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का इस्तेमाल न करने की अपील की। सरकुतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ठेर स्थित मदरसा अहले सुन्नत अजमल उल उलूम में जुलूस से मोहम्मदी के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उलेमान ने डीजे पर प्रतिबंध लगाते हुए अदब के साथ जुलूस से मोहम्मदी में शामिल होने की अपील की है। अपने रिलीज से पहले ही बाहुबली फेम प्रभास की बहुचर्चित फिल्म आदि पुरुष विवादों में घिर आई है। आदि पुरुष के टीजर के बाद हिंदू समाज का गुस्सा उफान पर है। संभल में विहिप ने आदि पुरुष को सिनेमा हॉल में न चलने देने का बड़ा ऐलान किया। दक्षिण के सुपरस्टार प्रभास के आदि पुरुष पर संभल में विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रचार प्रमुख आर्य अजय शर्मा ने कहा कि आदि पुरुष के टीजर में हिंदू समाज की खिल्ली उड़ाई गई है। विहिप एवं हिंदू समाज इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। विहिप और हिंदू समाज सिनेमा हॉल में फिल्म को नहीं चलने देगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। जहां उन्होंने फिल्म निर्माता पर सवाल उठाए तो वही फिल्म सेंसर बोर्ड पर कहा कि आखिर सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है। बोर्ड सरकार से ऊपर नहीं है, इसलिए सेंसर बोर्ड को सरकार भंग करे। वहीं सैफ अली खान को लेकर वो रावण बने हैं या ना बने ये उनकी मर्जी है। यदि रावण बने तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बने, अन्यथा खामियाजा भुगतने को तैयार रहें। दर्पण विसर्जन के साथ महिलाओं ने देवी मां के चरणों में और माथे में सिंदूर लगाकर मां को विदाई दी। इसके अलावा महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली। इसे सिंदूर खेला भी कहते हैं बंगाली भाषा में। आपको बता दें कि मां बंगाली समाज का मानना है कि मां धरती पर दुर्गा पूजा की तिथि पर अपने मायके आती हैं। साथ ही 5 दिन की पूजा अर्चना में देवी मां को विभिन्न प्रकार के अन्न भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। पूजा के अंतिम दिन मां की विदाई दी जाती है। आज दशहरा का पर्व है, इसमें हम सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। एक्चुअली हमारी ये मान्यताएं हैं कि इस सिंदूर से अपने सुहाग के आयु की वृद्धि होती है, धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन रावण को भी जलाते हैं। असत्य को नाश करने के लिए रावण को जलाया जाता है, सत्य की जीत के लिए। तो ये पर्व पर हम एक दूसरे को गले मिलते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। आप देख ही रहे हैं, बहुत हर्षोल्लास का माहौल है।
उत्तराखंड में चार धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कपाट बंद करने की तारीख और समय तय होने लगे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को अन्नकूट के अवसर पर ठीक 12:01 पर शीतकालीन दर्शन हेतु बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का समय भी निर्धारित किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवम्बर शनिवार को 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तरकाशी पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालती स्थित आईटीबीपी कैंप में द्रौपदी का डंडा दो पर्व चोटी में हुए हिमस्खलन से प्रभावित लोगों के बारे में जिला प्रशासन के अधिकारियों, क्षेत्रीय विधायक सुनील चौहान, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों, परिजनों के साथ मुलाकात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। प्रयागराज तराय के अंधवा दराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्तियों का विसर्जन हुआ। आपको बता दें कि नवरात्र की समाप्ति विजयदशमी के पर्व पर बुधवार को शहरी क्षेत्र की मूर्तियों का विसर्जन प्रयागराज जिले के अंदावा महेंद्र सिंह तालाब पर सुबह से ही प्रशासन के देखने में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। पौड़ी गढ़वाल जिले के बौरीखाल इलाके में कोटद्वार रंगनीखाल बौरीखाल मार्ग पर सिमड़ी के पास बरातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पूर्वी नायर नदी के घाटे में गिर गई। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही मोर्चा संभाला। वे रात में ही राज्य सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन पहुंच गए। आपको बता दें कि तैनात अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं सुबह घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। बौरीखाल बस हादसे में घायल हुए मरीजों से कोटद्वार बेस अस्पताल मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की घोषणा की है। यहाँ से लेकर एम्स में भी सभी जगह हम लोगों ने बात की हुई है और देहरादून में भी अस्पतालों में बात की है। यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं वो तो सभी अभी तक ठीक हैं और जल्दी सकुशल पहुँच जाएंगे। जो बॉडी वहाँ पर मिस हुई हैं उन सबको रेस्क्यू टीम लगातार निकाल रही है और आज शाम तक सभी हम मुआवजे के लिए हमने तय किया है कि जो लोग जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।